हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे डी खान का मौसम पिछले तकरीबन एक महीने से ऐसे ही है, धुंध ही धुंध है और सूरज तकरीबन एक महीने से मेरे ख्याल में एक महीने को नज़र नहीं आया ना। हाँ, एक महीने से हमारा इलाका गर्म खत्ता हो जाता है डेरे उसमें खान। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा कर दे और सूरज को निकाल दे। अभी तक देखो कोई भी, ये सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है, अभी तक कोई घर से नहीं निकला। बस नाश्ते के लिए पूरी गली, ये देखो पूरा मोहल्ला हमारा सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है। ये ऊपर धुंध है, अभी इधर कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी तकरीबन पहले तो सुबह से 2 से 3 फुट तक आदमी नज़र नहीं आता था धुंध की वजह से सुबह सुबह। अभी थोड़ा बहुत ऐसे दिन ऊपर जैसे आ रहा है पिक पर, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। -5 इधर के जो थर्मामीटर घरों में लगे हुए हैं ना, मौसमियात महकमा मौसमियात होने की तो कोई पता नहीं है ना, उनके हिसाब से अभी -5 है इधर। और हमारा आम सर्दियाँ जो होती हैं तकरीबन हो जाता है इधर 3-4 डिग्री ऐसे। -5 ये 100 साल रिकॉर्ड डी खान में पहली बार सुबह टूट गया है। कोई काम वगैरह सब काम बंद है, रोडों पर गलियां सुनसान है, स्कूलों की छुट्टियां मिल रही हैं, प्राइवेट या जा ही नहीं रहे। अस्पतालों में चेस्ट इन्फेक्शन के और गले वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, भारी हो गई होगी। अल्लाह रहम करे, माफ़ करे। लोग बारिश की दुआएँ कर रहे हैं, ना बारिश है ना सूरज निकल रहा है, बस हमारे गुनाह हैं। ये व्यूवर्स इल्तिजा है जो हुकूमत को सिर्फ गर्म, ये जो हो गए बेघर लोग पड़े हैं, क्योंकि इधर महाजरीन भी बहुत है ना हमारा डेरा उसम खान में, वो जिनका ना घर है ना कोई है ना शेल्टर बने हुए ऐसे, उनके लिए खेमे टेंट वगैरह इसकी सब। जो दूसरा अस्पतालों में दवाइयाँ कम है, दुकानों पर दवाइयाँ नहीं है, गले वाली चेस्ट इन्फेक्शन वाली और इन जैसी। इन हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है, आप मौसम तो तब्दील नहीं कर सकते, ना आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी है जो आप बैठ जाएं दुआ करें, सिर्फ ये कर लें जो जो दवाइयां हैं ज़रूरी। ये तकरीबन मिल तो जाए ना कम से कम कोई दुकान पर जाए, और दूसरा इनके कीमत कम कर दें। अब 130 वाली तीसरी रेप अब 690 या 700 तक बिक रहा है, इसी वजह से जो इसकी मांग ज़्यादा होगी, हर किसी की ज़रूरत है। अब टैबलेट्स भी ऐसी हैं, गोलियां, जो भी चीज़ हो गई इन जी। नहीं नहीं जी, ये हमारे भाई कह रहे थे अल्लाह करेगा आज, हाँ अल्लाह करेगा आज निकलेगा। ये हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, ये रोज़ दुआएं करते हैं जो अल्लाह करे सूरज निकले, लेकिन सूरज है जो 1.5 महीना हो गया नहीं निकला। चाचा हाल लो, आज मैं आज को धूप निकली पई है, धूप नहीं, ये थोड़ा ऊंचा फायदे हैं ओ अल्लाह को पता है। ए क्या आती है? ए तो कुछ नहीं आती है, कोई दिया तू? ए कुछ नहीं आती, हलवा पूड़ी बड़े दी पई है। हाँ हलवा पूड़ी बड़े दी पई है, अल्लाह अकबर। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आज को धूप निकली है, उतने आसार तो नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बूढ़े आदमी है, तकरीबन 90 साल उम्र में इस ठंड में खड़े हैं तकरीबन इनको। ये चाचा यूट्यूब तो तुम्हारी वीडियो दे सकना मैं? हाँ दे दे, तुम्हारी वीडियो दे दे पैन दे 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 ना, इतराज तक हो नहीं पूरी मैं बना वाली पूरी बना, ये बच्चे वगैरह तोरे कोई पूरी ना बनाओ तू सा। अच्छा बड़ा तो करो खैर है, ये मौसम तो बढ़ेंदा पी, हम जो 2 महीने को ले रहा सूरज नज़र नहीं आया ना, तो सर्दी ज़्यादा है, दवाइयाँ दी शॉर्टेज थी गई है, उन्हें तो बढ़ेंदा पी वीडियो ये वे चंगे वे।
ये हमारा भला हो जाता है, तकरीबन 600-700 गलियां हो जाती है हमारे इस इलाके की। लेकिन कोई भी देखो रोडों का हाल देख रहे हो, एक मौसम का हाल देख रहे हो, दूसरे और रोडों का हाल देख रहे हो, कोई बस भाई यही आपको क्या दो। और सियासी हुक्म वाली बातें बताना बैठ जाऊंगा, बस अल्लाह से सिर्फ यही व्यूवर से दुआ है भाई, जो अल्लाह करे या बारिश आ जाए या सूरज निकल आए। -5 हमारे डी खान के लोगों की बर्दाश्त से बाहर, अभी जो मैं ठंड में जो बना रहा हूँ ना, और मुझे पता चल रहा है कैसे बना रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।